इतिहास में बहुत से ऐसे युद्ध हैं जिनका नाम किताबों में दर्ज है। हम और आप इन्हीं युद्धों के बारे में पढ़ते और समझते आए हैं, परंतु इनके अलावा भी कई सारे ऐसे युद्ध हुए हैं जो किताबों में भले ही दर्ज ना किए गए हों, लेकिन वो अपने आप में ही एक इतिहास है। सारागढ़ी युद्ध भी एक ऐसे ही युद्ध का नाम है जिसमें 21 सिख सैनिकों ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अफगान के 10,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया था। इस जंग ने कुर्बानी और वीरता की एक नई कहानी लिखी थी। यूनेस्को ने इस लड़ाई को दुनिया की सबसे बेहतरीन 8 लड़ाइयों में शुमार किया है। इस पर अजय देवगन की सन्स ऑफ सरदार, राजकुमार संतोषी की बैटल ऑफ सारागढ़ी और अक्षय कुमार की केसरी नाम की फिल्में आने वाली हैं। 1897 का दौर था, ब्रिटिश सेना का दबदबा बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश भारत से बाहर के इलाकों पर भी अपना राज करने का प्लान करने लगे थे। उन्होंने अफगानियों पर कुछ हमले भी शुरू कर दिए थे। भारत अफगान सीमा पर उस समय दो किले हुआ करते थे, गुलिस्तां का किला और लॉकहार्ट का किला। ये दोनों सीमा रेखा के छोरों पर स्थित थे। लॉकहार्ट का किला ब्रिटिश सेना के लिए था, जबकि गुलिस्तान का किला ब्रिटिश सेना के संचार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यह सारागढ़ी से सटा हुआ था, इस लिहाज से यह एक बहुत ही अहम जगह मानी जाती थी। इसकी सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर 21 सिखों को तैनात किया गया था। इनकी संख्या कम जरूर थी, लेकिन इनकी बहादुरी पर अंग्रेजों को पूरा भरोसा था। चूंकि ब्रिटिश लगातार अफगानियों पर हमले करते रहते थे, इसीलिए अफगानी उनसे नाराज रहते थे। दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। दोनों पक्षों के अंदर एक आग जल रही थी। एक तरफ अंग्रेजों को हार पसंद नहीं थी, तो दूसरी तरफ अफगान बदला लेने के लिए भारत में आने की सोच रहे थे। सारागढ़ी का माहौल गर्म था। सैनिकों को सतर्क रहने को कहा गया था। एक तरह से कहा जाए तो सारागढ़ी के वो किले तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य की जान थे, जिन पर अफगानी कब्जा करना चाहते थे। हालांकि ये उनके लिए आसान नहीं था। 12 सितंबर 1897 को सुबह का समय था, जब सभी सिख सैनिक सोए हुए थे। सूरज की पहली किरण के साथ उनकी आंख खुली, नजारा चौंकाने वाला था। करीब 10,000 अफगानी सैनिक उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। दुश्मन की इतनी बड़ी संख्या देखकर सब हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। 21 सिख सैनिकों के लिए इतनी बड़ी सेना को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस वक्त यह सोचने का समय नहीं था कि अफगानी रातों रात उन तक कैसे पहुंच गए। उन्हें तुरंत मोर्चा संभालने की जरूरत थी। वे फौरन अपनी बंदूकों की ओर लपके। उनके पास बंदूकें तो थीं, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं थीं कि वो ज्यादा देर तक दुश्मन का सामना कर पाते। स्थिति की नजाकत को समझते हुए उन्होंने तुरंत अंग्रेजी सेना को संपर्क करना उचित समझा। लॉकहार्ट के किले पर अंग्रेजी अफसर बैठे हुए थे। सिखों ने उन्हें संदेश भेजते हुए बताया कि एक बड़ी संख्या में अफगानियों ने चढ़ाई कर दी है, उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। अफसर ने कहा कि इतने कम समय में सेना नहीं भेजी जा सकती, उन्हें मोर्चा संभालना होगा। सिखों के लिए करो या मरो की स्थिति बन चुकी थी। सिख चाहते तो मोर्चा छोड़कर वापस आ सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने से अच्छा दुश्मन का सामना करना उचित समझा। वाहेगुरु का नाम लेकर वो अपनी अपनी जगह पर मजबूती से तैनात हो गए। अफगानी निरंतर आगे बढ़ रहे थे। सारे सिख सैनिक अपनी अपनी बंदूकें लेकर किले के ऊपरी हिस्से पर खड़े हो गए थे। सन्नाटा हर जगह पसर चुका था। सिर्फ बढ़ते हुए अफगानियों के घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में
एक गोली की आवाज के साथ जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चल रही थीं। कुछ ही समय में अफगानी समझ चुके थे कि यह जंग आसान नहीं होने वाली। वे इस तरह से सिखों को हरा नहीं पाएंगे। उन्होंने एकजुट होकर सिखों पर हमला बोल दिया, लेकिन सिखों ने अपना हौसला नहीं गंवाया। वो लगातार अफगानियों से लोहा लेते रहे। अफगानी सैनिकों की एक टुकड़ी ने किले के दरवाजे पर हमला करने की कोशिश की, पर वे सफल नहीं हो सके। अफगानी बुरी तरह से बौखला गए। उन्होंने दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। वे इसमें सफल रहे। अब किले की दीवार टूट चुकी थी। अफगानी सैनिक तेजी से किले के अंदर घुसते जा रहे थे। अफगानियों के किले में आते ही बंदूकों की लड़ाई हाथों और तलवारों की लड़ाई में तब्दील हो गई। अफगानियों से लड़ना आसान नहीं था। वो सब संख्या में बहुत ही ज्यादा थे। इन सब के बावजूद सिख सैनिक लड़ते रहे। धीरे धीरे अफगान उन पर भारी पड़ने लगे थे। कई सिख सैनिकों को गहरी चोटें लग चुकी थीं। उन 21 सिख सैनिकों में से कुछ ऐसे भी थे जो पूरी तरह सिपाही नहीं थे। उनमें कुछ रसोइये थे तो कुछ सिग्नल मैन थे, लेकिन वो सब अपने साथियों के लिए जंग में उतरे थे। सिखों का मनोबल टूटने लगा था, लेकिन तभी जो बोले सोनिहाल की आवाज ने उनमें जोश भर दिया। उन्होंने अफगानियों को अपनी तलवारों से मारना शुरू कर दिया। वह सब बाद में एक धुन में जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के नारे के साथ आगे बढ़ते गए और अफगानियों को मौत के घाट उतारते गए। आखिरकार सभी सिख सैनिक मारे गए। वो सब शहादत को प्राप्त हुए, लेकिन मरने से पहले वे लगभग 600 अफगानियों को मार चुके थे। आखिरकार दुश्मन भी बुरी तरह थक गया और तय रणनीति से भटक गया, जिसके कारण वो ब्रिटिश आर्मी से अगले दो दिन में ही हार गया। उस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक स्वर में इन सिपाहियों की तारीफ की थी। मरणोपरांत 36 रेजिमेंट के सभी 21 शहीद जवानों को परमवीर चक्र के बराबर विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन में आज भी सारागढ़ी की जंग को शान से याद किया जाता है। भारतीय सेना की आधुनिक सिख रेजिमेंट 12 सितंबर को हर साल सारागढ़ी दिवस मनाती है। यह दिन उत्सव का होता है, जिसमें उन महान वीरों के पराक्रम और बलिदान के सम्मान में जश्न मनाया जाता है। उन 21 सिख सैनिकों ने दिखा दिया था कि हौसलों में दम हो तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। सारागढ़ी का युद्ध बताता है कि भारत वीरों की भूमि है। यहां लोग अपने वतन पर हंसते हंसते जान न्योछावर कर देते हैं। दोस्तों